फ्रेंड्स, लर्निंग टाइम में आपका स्वागत है। इस वैकेंसी के बारे में बात करने से पहले कृपया मेरे चैनल लर्निंग टाइम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो अब हम बात करते हैं आज की वैकेंसी, जो कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसीज निकली है, जो PSC प्री 2020 ACF RFO रिक्वायरमेंट है। ये इन सब पदों के लिए रिक्वायरमेंट है और इसकी कुछ नोटिफिकेशन है, जो उसका फुल नोटिफिकेशन उसको जान लेते हैं हम। यहाँ पर जो इसके इम्पोर्टेंट डेट्स है वो जान लेते हैं। एप्लीकेशन बिगिन स्टार्ट हो चुके हैं 21/4/2020 से। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन की है 2/6/2020। लास्ट डेट पे एग्जाम फीस की है 2/6/2020। लास्ट डेट कंप्लीटेड फॉर्म की है 4/6/2020। प्री एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड अवेलेबल, इसकी जो डेट है वो जल्द ही आ जाएगी। इसकी एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। जनरल ओबीसी की 125, SC/ST की 65 और PH कैंडिडेट्स की 25। पे द एग्जाम फीस 2 SBI मॉब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग और SBI ई चालान के मोड से हम ये सब जो थ्रू है इसके थ्रू हम अपनी एग्जाम फीस दे सकते हैं। इसकी एज लिमिट जान लेते हैं। एज लिमिट एज ऑन 1/7/2020, मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर, मैक्सिमम एज 40 ईयर होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल्स, इसके रूल्स के अनुसार ही आपको एज रिलैक्सेशन है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी जान लेते हैं। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया, बैचलर डिग्री हो और फॉर ACF RFO के लिए बैचलर डिग्री इन साइंस में। मोर डिटेल रीड द नोटिफिकेशन, और इसका और नोटिफिकेशन देख लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग, जो पोस्ट के अकॉर्डिंग इसकी एलिजिबिलिटी है। यहाँ पर वैकेंसी डिटेल्स, टोटल 200 पोस्ट। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज है वो 200 पोस्ट के लिए है। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल मस्ट नोट बिफोर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी दे रखी है और यहाँ पर पोस्ट दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग आपको फुलफिल करनी है अपनी जो आपकी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये योग्यताएं होनी चाहिए। सब रजिस्ट्रार असिस्टेंट प्रोसेसिंग ऑफिसर के लिए ट्रांसपोर्ट जो मांगा है उसमें बैचलर डिग्री इन लॉ LLB। सेकंड है डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी DIOS एंड अदर इक्विवेलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए है। मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज है वो 200 पोस्ट के लिए है। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल मस्ट नोट बिफोर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कि इसकी जो डिटेल है उसको अच्छे से दे दें और अपने फॉर्म को फिल करने से पहले। इसका इधर इधर सीरियल नंबर है, पोस्ट वाइज पोस्ट नेम है और यहाँ पर एलिजिबिलिटी है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट पे जो पोस्ट दे रखी है वो है सब रजिस्ट्रार असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर ट्रांसपोर्ट, इसके लिए बैचलर डिग्री लॉ LLB मांगा है। सेकेंड है हमारी डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी DIOS एंड अदर इक्विवेलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, मास्टर डिग्री मांगी है। और यहाँ पर थर्ड पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर रिवेन्यू ऑडिट, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स बीकॉम डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया में बैचलर डिग्री ऑफ कॉमर्स की मांगी है। इसके बाद फोर्थ है असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड 1, असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड 2, इनके लिए बैचलर डिग्री इन साइंस फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर डिग्री। फिफ्थ है हमारा असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, इसके लिए है बैचलर डिग्री इन आर्ट सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट और कॉमर्स लॉ। सिक्स पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, बैचलर डिग्री इन सोशियोलॉजी और सोशल साइंस और होम साइंस और सोशल वर्क, सीनियर लेक्चरर डाइट, मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट BEd एग्जाम पास इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंडिया। फिर है हमारा एट डिस्ट्रिक्ट प्रोवेंशन ऑफिसर, मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी और सोशल वर्क और एनी क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट देयर टू और PG डिप्लोमा इन एनी ब्रांच ऑफ सोशल वर्क फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क। के बाद 9 नंबर पे जो पोस्ट है डेजिग्नेटेड ऑफिसर फूड सेफ्टी ऑफिसर, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री एज वन ऑफ सब्जेक्ट
or at least one of qualification prescribed for direct requirement to the post of food safety officer given as below. Bachelor degree in food technology or dairy technology or biotechnology or oil technology or agricultural science or veterinary science or biochemistry or microbiology or postgraduate degree in chemistry or degree in medicine from a recognized university or any other equivalent recognized. 10th number pair statistical officer, master degree in mathematics or mathematical statistics or statistics or agriculture statistics. फिर इसके बाद 11 नंबर पे है 11 नंबर पर जो पोस्ट है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर बैचलर डिग्री विद इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी और कॉमर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ लेबर रिलेशन लेबर वेलफेयर लेबर लॉ कॉमर्स सोशियोलॉजी सोशल वर्क सोशल वेलफेयर ट्रेड मैनेजमेंट पर्सनल मैनेजमेंट लास्ट एंड 12th नंबर पे चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर इसके लिए एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री सोशियोलॉजी और सोशल वर्क और होम साइंस और एनी क्वालिफिकेशन इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया. इस प्रकार में सभी पोस्ट के लिए हर तरह के पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी मांगी है. तो दोस्तों ये इसका एक नोटिफिकेशन है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. यहाँ पर जो इसका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर है वो रिटन और इंटरव्यू के थ्रू होगा और ये इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता चुकी हूँ. इसके बाद मैं इसका पे स्केल बता देती हूँ. यहाँ पर इसका पे स्केल है जो नेम ऑफ द पोस्ट है ACF के लिए 15,600 से लेकर के 39,100 तक है. RFO के लिए 9,300 से लेकर के 34,800 है. इस टाइप से इसका ये पे स्केल है. और अब हम इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है रिटन का वो जान लेते हैं. इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जनरल हिंदी 150 मार्क्स एसए 150 मार्क्स जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर 200 मार्क्स जनरल स्टडी सेकंड पेपर 200 मार्क्स जनरल स्टडी थर्ड पेपर 200 मार्क्स जनरल स्टडी फोर्थ पेपर 200 मार्क्स. इस टाइप से इसके मार्क्स डिवाइडेड है. और अब यहाँ पर एक नोट है इसका टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन पेपर ऑफ 3 आर 9:30 AM टू 12:30 PM और एक सेकेंड शिफ्ट में है 2 PM टू 5 PM. इस टाइप से इसकी टाइमिंग है. और यहाँ पर इसके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दे रखे हैं जो आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग है. ये यहाँ पर इसके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं. सारे सब्जेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर जूलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सोशोलॉजी फिलोसफी जियोलॉजी साइकोलॉजी. इस टाइप से ये सारे यहाँ पर 29 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं जो कि ऑप्शनल हैं. और थर्ड नंबर पे यहाँ पर पर्सनैलिटी टेस्ट भी दिए रखा है यहाँ पर वाइवा जो कि आपका 100 मार्क्स का. इसमें है आपका इंटेलिजेंस ही करेक्टर आपकी अवेयरनेस एक्सप्रेशन पावर पर्सनैलिटी जनरल सुटेबिलिटी. इस टाइप से आपकी ये सब जो पर्सनैलिटी है उस पर बेस्ड है और ये 100 मार्क्स का है. इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर इसके जो पेपर्स का जो पैटर्न है वो दे रखा है. जनरल स्टडी फर्स्ट में क्या क्या आएगा ये सारा सिलेबस है. और इसके बाद आपका सेकंड जो स्टेप है वो सेकंड स्टडीज जो है उसमें क्या क्या है ये सब आपका इसमें सब दे रखा है सिलेबस. और जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके भी सिलेबस सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर दे रखे हैं. तो प्लीज़ इसको आप नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना और इसका जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो दोस्तों यहाँ पर इसकी वेबसाइट ओपन की है. यहाँ पर इसकी वेबसाइट है जिसका लिंक भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. और यहाँ पर इसमें एग्जामिनेशन नेम एडवर्टाइज नंबर डेट स्टार्टेड डेट फी डिपॉजिट डेट और फीस फ्रॉम लास्ट डेट सबमिशन डेट. फिर इसके बाद यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप का ये ओपन होगा. इसके बाद यहाँ पर ये जो दे रखी है पोस्ट वैकेंसीज नेचर पे स्केल एज अपर एज टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन. फिर इसके बाद आप इसको देख सकते हैं. इसके बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा क्या आपने पूर्व में कभी भी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किसी पद हेतु ऑनलाइन पद्धति से आवेदन किया है. अगर आपने किया है तो हाँ और नहीं किया है तो नहीं. तो यहाँ पर सेलेक्ट करके इसे नो कर देंगे और नो करते ही आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा. जब आप इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एडवर्टाइज नंबर
अप्लाई फॉर किस पोस्ट के लिए है और सेलेक्ट चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें PCS एग्जामिनेशन के लिए है, ACF या RFO के लिए है, या PCS ACF के लिए या RFO के लिए है, ये सारे इसमें ये दोनों है, ये सिंगल सिंगल है और ये दोनों के लिए है। फिर इसके बाद आपका और डिटेल्स आएंगी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपका नेम, आपके फादर का नेम या आप अगर शादीशुदा हैं तो हस्बैंड का नेम, आपका डोमिसाइल, इसके बाद आप डोमिसाइल पे क्लिक करेंगे तो ये आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, यूपी के हैं तो यस या नो, ये इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। आर यू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें भी यस या नो का ऑप्शन है, इस टाइप से ये यस नो के हैं, अगर आप जो जो आपके अकॉर्डिंग है आप उसको फिल करिए। इधर डेट ऑफ मंथ अपनी डेट ऑफ बर्थ भरिएगा, फिर ये जेंडर है, आर यू मैरिड, अगर है तो आप यस और नहीं है तो नो, अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी ये आप करेंगे। फिर इसके बाद आपके एजुकेशनल डिटेल्स हैं, इसमें हाई स्कूल आपने किस बोर्ड से किया है, आपका पासिंग ईयर्स, आपका रोल नंबर, इंटरमीडिएट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका अगर अपने इंटरमीडिएट का ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर भरनी है, आपका रोल नंबर, इंटरमीडिएट का ईयर और आपका इंटरमीडिएट का बोर्ड। इसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल है एसेंशियल वो आपको भरनी है, यहाँ पर एक्वायर्ड यस या नो, ग्रेड सिस्टम है, तो ये सब नाम है, तो आपको जो आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या समकक्ष अर्हता आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अवश्य धारित करनी चाहिए। इस टाइप से यहाँ पर यस या नो का ऑप्शन है, या आप यस अगर किया है तो यस और नहीं तो नो। फिर आपको एक एंटर वेरिफिकेशन कोड दिखेगा जो कि ये है, और आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप इस कोड को भरेंगे और इसका प्रीव्यू आप इस पर सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको आगे की जनरल डिटेल्स फुलफिल करनी होगी, जैसे कि अपना साइन या फोटो, और फिर आपका फी सबमिशन हो जाएगा, इसके साथ ही आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इस फॉर्म को अच्छे से फुलफिल कर पाएंगे। और हाँ, अगर आप अब इस फॉर्म को भर रहे हैं तो बहुत ही केयरफुली भरिएगा, ध्यानपूर्वक एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ के, अपने नेम को, अपने फादर नेम को स्पेलिंग के साथ अच्छे से केयरफुली इस फॉर्म को भरें। तो मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्सों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ मेरे इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं आप किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।